बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तलबात। हुकूमत ने न्यू तलीमी पॉलिसी जो है वो जारी कर दी है, जिसके मुताबिक एमफिल ख़त्म कर दिया गया है, मैट्रिक का बोर्ड जो है वो ख़त्म कर दिया गया है, और इसके अलावा सिर्फ इंटर के बोर्ड एग्ज़ाम जो है वो होंगे। इस तरह की बहुत सी खबरें जो है यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर, हर सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर गर्दिश कर रही हैं, और बहुत से स्टूडेंट जो है मुझसे क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं। और इस वीडियो में हम आपको बताने भी वाले हैं कि ये पॉलिसी दरअसल है क्यों, क्यों ये सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही है, इसकी हकीकत जो है मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ, ये देखें, ये न्यूज़पेपर जो है वो आप देख सकते हैं, जिसमें कहा जा रहा है 10वीं के बोर्ड इम्तहान नहीं होंगे, 4 साल की डिग्री हासिल करने वाले तलबा 1 साल में एमए कर सकेंगे, कॉलेज की डिग्री 3 और 4 साल की होगी, तलबा को एमफिल करना नहीं पड़ेगा, एमए तलबा अब बराह रास्त पीएचडी कर सकेंगे पॉलिसी। तो ये कुछ पॉलिसी जो है इस तरह से है, और ये भी आप देख सकते हैं, ये 2-3 न्यूज़पेपर पर आई है कि नई तलीमी पॉलिसी मंजूर, एमफिल ख़त्म, सिर्फ इंटर का बोर्ड एग्ज़ाम होगा। यार मुझे हैरानी होती है कि इस तरह की न्यूज़ जो है हमारे न्यूज़पेपर पर आ रहे हैं बग़ैर तस्दीक के, अल्लाह के बंदो, ये जो पॉलिसी है ये इंडिया ने जारी की है, हमारे हमसाया मुल्कों ने, हमने उनकी ही कॉपी उठा दी है, जो उन्होंने किया बस ना सोचा ना समझा, सोशल मीडिया पर आई और न्यूज़पेपर में दे मारी। और आप भी यार यकीन कर बैठते हो, मैंने जब ये पॉलिसी गर्दिश कर रही थी सोशल मीडिया पर, पहले ही दिन जो है मैंने कम्युनिटी पोस्ट लगाई थी, शायद आपने रीड की हो या ना की हो, उसमें मैंने आपको क्लियरली तौर पर बता दिया था ये फेक पॉलिसी है, ये इंडियन गवर्नमेंट ने जारी की है, और जो हमारे न्यूज़पेपर बाज चैनल जो है उठाकर चला रहे हैं, इस तरह की कोई भी तस्दीक नहीं हुई। इतनी बड़ी अगर पॉलिसी अपडेट होती है तो आपको फेडरल बोर्ड एचईसी की वेबसाइट पर भाई ज़रूर देखने को मिलेगी, वहाँ पर भाई नहीं है। क्यों आप इस तरह के मुझे बार बार मैसेज कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, सर हमें इस पॉलिसी के बारे में बताएँ, तो भाई ये फेक है, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि अब आप समझ गए होंगे। थैंक यू सो मच, मुझे दीजिए इजाज़त, मिलेंगे कोई अच्छी वीडियो के साथ, अल्लाह हाफिज़।